हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हुआती आपके इंग्लिश एजुकेटर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिक्स की गुलमोहर बुक एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव हियर इज मीटिंग एक आर्टिस्ट थे

ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हज नॉवेल्स एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन मतलब ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नॉवल्स और स्टोरीज लिखते हैं मैनी ऑफ विच है जिनमें से काफी सारी जो इनकी स्टोरीज है वो मूवीज में भी मतलब यू नो चेंज करी गई है या मूवीज में इंकॉपरेट करी गई है

Uh, काम है जिसको बहुत कंसिडर किया जाता है कि यू नो इंग्लिश लॉरेट है मतलब चिल्ड्रन चिल्ड्रन लॉरेट है का बेस्ट इसलिए इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले गए हैं अब हम आते हैं हमारे चैप्टर में सो बिफोर वी स्टार्ट द रियल स्टोरी देर इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन गिवन टू अस फ्लिपिंग थ्रू द मदर्स बुक अंग बॉय नेम्ड एडमायर द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड ऑफ प्रोविंस एस बाय द मैस्टर पेंट एज

उसने वहां पे क्या किया उस बुक में देवर पिक्चर्स ऑफ दिस कंट्री साइड ऑफ प्रोविंस प्रोविंस क्या है प्रोविंस इज अ रीजन इन साउथ ईस्टर्न फ्रांस फेमस फॉर इट्स सीनरी So, South Eastern France में there is this place जो कि अपनी के के लिए landscape के लिए बहुत ज़्यादा है बॉय so, यानिक so जिसने वहां पे प्रोविंस का जो कंट्री साइड था कंट्री साइड का मतलब क्या होता है द लैंड एंड सीनरी ऑफ अ रूरल एरिया तो जो गांव में जब आप जाते हो किसी भी थोड़ा सा जो विलेज एरिया होता है रूरल एरिया होता है वहाँ आप देखते हो बहुत ज़्यादा पेड़ हैं नदी है पहाड़ दिख रहे हैं सो so, इसको कंट्री साइड कहते हैं सो कंट्री साइड प्रोविंस का जो कंट्री साइड था उसके पिक्चर्स को वो एडमायर कर रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था वो देख के एंड वो किसने पेंट की थी वो पिक्चर्स सिजैन ने मास्टर पेंटर सीजैन ने वन समर ही गेट्स द चांस टू गो एंड स्पेंड टाइम विद हिज विदल्स फैमिली हु लिव देयर अब एक बार क्या होता है ही गेट्स द चांस उसको एक मौका मिलता है अपने अंकल के साथ जाके रहने का जो कि प्रोविंस में रहते हैं अब प्रोविंस को जहाँ वो देख रहा था इतनी ब्यूटीफुल वहां की सीनरी है लैंडस्केप है वहां जाके उसको रहने का मौका मिलता है नाउ स्टोरी को वहां रहना बहुत अच्छा लगने लग जाता है और वो अपनी अंकल की हेल्प भी करता है बिकॉज वो वहां पे विलेज में एक इन रन करते हैं इन का मतलब क्या होता है इन इज़ अ प्लेस टू स्टे वाइल योर ऑन वेकेशन और ऑन द रूड इन मतलब बेसिकली लॉजेस या होटल्स जो होते हैं तो अंकल का एक लॉज होता है या होटल होता है जिसे इन कहा जाता है और उनको रन करने में जैसे वहाँ के छोटे मोटे काम करने में वो अंकल की हेल्प कराता था One day there is a bustle at the inn for the famous man. The inn's best customer comes visiting. अब एक दिन क्या होता है? There is a bustle at the inn. Bustle मतलब क्या? हलचल मची रहती है. Bustle का मतलब क्या होता है? Noisy, excited activity or movement. So अब next time से how would you use this word? That जैसे मैंने घर में enter किया, there was a bustle. Bustle का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो मामा कुछ कर रही है, पापा कुछ कर रहे हैं, घर में painting चल रही है और some or the other work is going on. तो आप आपको क्या लगा बाप बापरी तो हलचल मची हुई है यहाँ पे सो यू यू विल ऑफ कॉलिंग मुझे आना ही नहीं इस क्लास में सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बसल सो वन डे देर इज द इन अब में काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा है फॉर अ फेमस मैन क्योंकि का जो है बेस्ट कस्टमर आने वाला है Who is this man and why is there such a fuss about his visit? अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये आदमी है कौन और इतना ज़्यादा फ़स क्यों होता है इनके विजिट पे? That evening, my cousin Amundine told me I had to do everything properly because their best customer was coming to dine with friends. दैट इवनिंग उस शाम को मेरी जो कज़न थी एम इंडीन उसने मुझे बताया कि आज मुझे सारा काम बहुत प्रॉपरली करना है क्योंकि उनके जो बेस्ट कस्टमर थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे खाना खाने आने वाले थे ही लिव इन दैट इन दिलेज शी सेड एंड वॉज वेरी फेमस अब उसने क्या बताया कि ये जो उनके जो बेस्ट कस्टमर हैं ये कहाँ रहते हैं शटै में रहते हैं शटै क्या होता है अ लार्ज फ्रेंच कंट्री होम और कैसल जो फ्रेंच लोगों के जो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं या कैसल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं शटै अब यहाँ पे वो रहा करते थे एंड उसने क्या बताया कि वो जो उसके जो स्पेशल कस्टमर हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं

ओके सो शी टेटेड कि जब देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं तो जाओ गो एंड फिच लॉग्स गो एंड फिच फिच का मतलब क्या होता है लुक फॉर समथिंग जाके ढूंढ के लेके आओ जाके लेके आओ फिच का मतलब होता है कहीं भी सपोज मम्मा ने बोला जाके एक काम करना एक लाइक uh, uh, like, uh, कुछ जो है लॉग्स लेके आना लॉग्स तो मम्मी नहीं बोलेगी लेट्स से कुछ स्पूनस लेके आना और वो तुम्हें बोला है कि वो अंदर के रूम में कहीं रखे होंगे उनको जाके ढूंढ के लेके आओ सो गो फेच सम स्पूस अंडरस्टूड सो फेच का मतलब है गो फॉर और कॉल फॉर और यहाँ पे उसने बोला लॉक्स लेके आओ तो मे बी यहाँ पे उनको जो है फायर प्लेस के लिए लॉक्स चाहिए होंगे या फिर उनको किचन के लिए लॉक्स चाहिए होंगे सो शी सेट दैट क्वेश्चन मत करो जाके लॉक्स लेके आओ

पर्सन uh, था और उनके साथ जितने भी उनके फ्रेंड्स आए थे जब वो वहाँ से चले गए तो हमने क्लियर करना स्टार्ट किया टेबल क्लीन करना स्टार्ट किया आई पुल cloth क्लॉथ ऑफ it एंड थ्रू इट into द फायर एज यूजल सो वहाँ पे एक बेसिक प्रोसेस था जो आपके पास टेबल क्लॉथ होते हैं वो पेपर के होते थे तो जैसे ही आपका खाना हो गया तो आपने वो पेपर जो है वो हटाया उसको फायर में डाल दिया ना दिस वॉज देअर यूजल प्रैक्टिस तो शिजान ने क्या किया जैसे ही वो चले गए उसने उसने वो पेपर्स का जो टेबल क्लॉथ था उसको पुल किया स्क्रंच किया स्क्रंच किया मतलब उसको खिचुड़ मिचुड़ कर दिया स्क्रंच का मतलब क्या होता है क्रश और स्क्वीज इनटू अ कॉम्पैक्ट मास सो क्रश और स्क्वीज एक छोटा सा मास बना दिया उसका और उसके बाद उसने क्या किया उसको फायर में फेंक दिया Suddenly, Amandine went rushing past me. For some reason, she grabbed the tongs and tried to pull out the remnants of the burning paper tablecloth. अब यहाँ पे क्या हुआ अचानक से एनएन जिन भागते हुए आई मुझे क्रॉस किया और फॉर सम रीजन किसी रीजन की वजह से उसने टोंग्स लिए टोंग्स मतलब क्या होता है चिमटा सो उसने टोंग्स लिए और उसके बाद जो पेपर जो पेपर टेबल क्लॉथ था जो मैंने आग में फेंक दिया था उसका जो बचा-कुचा जो भी पार्ट था वो उसको निकालने की कोशिश करने लग गई रेमिनेंस का मतलब होता है बचा-कुचा पार्ट रिमेन्स बट

तुम फूल हो तो उसने बोला मैंने क्या किया बोले वो जो आदमी आया था अगर उसको खाना अच्छा लगता था तो वो उस पेपर टेबल क्लॉथ पे एक ड्राइंग बना के जाता था पापा के लिए एज अ टिप टिप मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा मनी गिवन टू तो समवन टू तो थैंक देम आफ्टर दे हैव प्रोवाइडेड अस विद अ सर्विस So, यहाँ पे जैसे आप जाते हो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा उनका सर्विस या आपको उनका खाना अच्छा तो आप तो क्लॉथ फेंक दिया ना उसमें तुम गयो तुमने उसको फायर में फेंक दिया ही इज द मोस्ट फेमस पेंटर इन दर्ल्ड इडियट तो उसने बोला वो दुनिया के सबसे फेमस जो हैं पेंटर हैं और तुमने उन्होंने जो बनाया था उसको फेंक दिया शी वर्स इन टीयर्स ना और अब वो रोने लग गई एवरी वन इन द रेस्टोरेंट स्टॉप ईटिंग एंड वेंट साइलेंट सब जो थे रेस्टोरेंट में वो उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट गोइंग ऑन और वो सब देखने लग गए सब साइलेंट हो गए अंकल देन अंकल ब्रूनो केम स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स अस अनलाइक हिज जॉली सेल्फ सो अंकल ब्लूनो यूजअली बहुत हैप्पी रहते थे जॉली रहते थे लेकिन अभी वो स्ट्राइडिंग मतलब बहुत ही बड़े बड़े कदमों के साथ चलते हुए हमारी तरफ आए वॉट इज इट ही आज अमैनडीन उन्होंने पूछा क्या हुआ है इट वॉज यापा

निक को बताया था दैट वो एक फेमस पेंटर हैं और जब भी वो यहाँ से जाते हैं इफ़ यू लाइक द फूड तो वो कुछ ड्रॉ करके जाते हैं टेबल क्लॉथ पे क्या तुमने ऐसा कुछ भी उसे बताया था अमैंडिन लुक डैट मी हर चीक्स वेट विथ टीयर्स उसने मेरी तरफ देखा उसके गाल पूरे जो थे भीग चुके थे आंसुओं से आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाइव बट शी डेंट मुझे लगा ये झूठ बोल देगी कि, कि हाँ मैंने बताया था लेकिन उसने झूठ नहीं कहा नो no, पापा कहा नहीं मैंने नहीं बताया था उसने अपना सर झुका लिया देन यू शुड हिम शुड यू फॉर समेट वॉज योर फॉल्ट से सॉरी टू ये बोला तो फिर तुम्हें उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी ऐसी गलती के लिए जो तुम्हारी गलती है तुम्हें उसे बताना चाहिए था वो यहाँ नया है उसे कैसे पता होगा और अब उसने उन्होंने कहा कि उसको सॉरी बोलो एंड इट्स ओके She mumbled it, but didn't raise her eyes. उसने धीरे से सॉरी बोला मुझे mumbled का मतलब होता है इतना धीरे बोलना की वो क्लियरली है ऑडिबल भी नहीं होगा बट शी डेंट रेज मेरी तरफ देखा नहीं अंकल ब्रूनो पुट हज आम अराउंड में अंकल ब्रूनो ने अपना जो हाथ है वो मेरे अराउंड रखा ने माइंड से सो द ड्रॉइंग वॉज फॉर यू रियली अब अंकल ने क्या बोला डोंट वरी स्पेशल गेस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि स्पेशली उनको आज जो सबसे टेस्टी चीज लगी वो था क्रीम डे और वो किसने बनाया था तुमने बनाया था तो so, वो जो ड्राइंग एक्चुअली थी वो तुम्हारे लिए थी ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड लुक ऑन द ब्राइट साइड का मतलब होता है ऑलवेज कभी भी कोई बैड सिचुएशन होती है उसमें भी ट्राई टू फाइंड समथिंग गुड जैसे की

आई हेटेड टू हेयर हवर क्राई सो आई नॉक डाउन द डोर एंड वेंटन फिर बाद में जब सब खत्म हो गया जब मैं अपने वॉशरूम से बाहर आ रहा था तब मैंने देखा कि एमेंजिन जो है वो अपने रूम में बैठी हुई है और वो रो रही है और मुझे उसे रोता हुआ देख के बहुत बुरा लग रहा था तो मैंने नॉक किया और मैं अंदर गया आई एम सॉरी आई डेंट मीन टू अपसेट यू शी हेड स्टॉप्ट्राइंग बाई नाउ अब मैंने उसको जाके कहा कि आई एम रियली सॉरी मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहता था मुझे देख के वो चुप हो गई थी अब वो नहीं रो रही थी It wasn't your fault, Yannick.

are you angry at me okay he hardly ever has only when I've done something really bad ab wo bolte hai ki mujhe nahi acha lagta jab papa mujhse gussa ho jate hain wo kabhi gussa nahi hote wo sirf tab gussa hote hain jab maine kuch literally zyada bura kiya ho i shouldn't have blamed you i'm sorry mujhe tumhe blame nahi karna chahiye tha i'm sorry then she smiled at me fir usne mujhe dekh ke ek smile di i lay awake all night my mind racing somehow I was going to make it all right again and make Amandine happy. मैं रात भर जागा और मेरा दिमाग चल रहा था कि मुझे कुछ तो करना है। I have to make the situation right और मुझे Amandine को वापस खुश करना है। Soon I had worked out exactly what to do, even what I was going to say when the time came। अब soon मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और जब right time आएगा तब मुझे क्या कहना है मुझे ये भी पता था। Next morning, I didn't go for my walk in the hills, but made my my way down ट्रू the village towards the शटायू So अब क्या हुआ अगले दिन मैं काम मतलब मैं कहाँ जो मैं नॉर्मल अपनी वॉक पे जाता था हिल्स में पहाड़ों में मैं वॉक करने जाता था मैं नहीं गया और मैं नीचे विलेज के पास गया कहाँ पे शर्टियो में I waited till there was no one about. तब तक मैंने वेट किया जब तक सब लोग चले नहीं गए वहाँ से मतलब जब तक कोई दिख रहा था मैं अंदर नहीं गया मैं वेट कर रहा था I climbed the gates easily enough and then ran down through the trees. अब वो जो बड़ा सा कैसल था उसमें जब मुझे लगा कि ओके okay, आस पास कोई नहीं है तो मैंने उसके गेट्स को क्लाइम किया जम्प किया और उसके बाद वहाँ जो इतने सारे ट्रीज थे वहाँ मैं भागते हुए गया दे

He was sitting alone on the steps in the sunshine and sketching. वो जो थे वो अकेले जो है सीढ़ियों पर बैठे हुए थे जिन उनके ऊपर सनशाइन आ रही थी और वो स्केच कर रहे थे I approached as silently as I could, but somehow I must have disturbed him. मैं जितना साइलेंटली हुआ उतनी साइलेंटली गया लेकिन किसी तरीके से उन्हें पता चल गया वो डिस्टर्ब हो गए हे लुकड अप

बट हिज आईज वंग लेकिन उनकी जो आंखें थी वो यंग थी, bright थी और ऐसा लग रहा था कुछ ढूंढ रही है क्या, आप, uh, Monsieur? Monsieur का मतलब क्या होता है अवॉर्ड इन फ्रेंच फॉर द टाइटल मिस्टर तो जैसे मिस्टर सजान की जगह वो वहां कहते हैं आर यू मोनसे मदाम बोलते हैं फीमेल्स को सो आर मोनसान देमस पेंटर मैंने पूछा he seemed a little puzzled to wo thode confused lage so i went on my mother says you are the greatest painter in the world meri mama bolti hai ki aap jo ho puri duniya ke sabse bade painter ho he smiled and then laughed to dono smile kiya uske baad wo hasne lage i think your mother is probably right मतलब मुझे लगता है तुम्हारी जो mother है वो शायद सही है. you clearly have a wise mother but why did she let a young lad like you Come wandering here on his own. तो उन्होंने बोला तुम्हारी मदर तो बड़ी समझदार लगती है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा की तुम्हारी मॉम ने एक इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले कैसे भेज दिया आई एक्सप्लेन वाई आई हेड कम एंड वे वॉन्टेड तो अब जो है सजान ने उनको मदद मतलब सैजान बोल रही हूँ यानी ने उन्हें सारी चीज़ें बताई कि वो यहाँ पे क्यों आया है कल क्या हुआ था ही लुक डैट मी विथ फरोड ब्रोज तो उन्होंने मेरी तरफ़ देखा फरोड मतलब इस तरीके से नहीं अपन कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो इन फरोड ब्रोज़ के साथ उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड सेट आई रिमेम्बर नाउ यू फ्रॉम लास्ट नाइट अब मुझे याद आ रहा है मैंने तुम्हें तो पिछली रात देखा था

आई ट्राई ही स्माइल तो उन्होंने एक स्माइल के साथ क्या बोला हा आई ट्राई इट डोंट टेक हेम लॉन्ग He drew fast, never once looking up. But as he worked, he asked me about where I had seen sailing boats, about where I lived in Paris. सो so, उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगा वो पिक्चर बनाने में वो काफ़ी फास्ट ड्रॉ कर रहे थे उन्होंने एक बार भी ऊपर नहीं देखा लेकिन वो मुझसे बातें करते जा रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने सेलिंग बोट्स को कहाँ देखा है पैरिस में He said he loved Paris and sailing boats too. उन्होंने कहा उन्हें भी Paris बहुत पसंद है और उन्हें भी sailing boats boats बहुत ज़्यादा पसंद है. There he said. tearing the sheet from his sketchbook and showing me. So वहाँ से उन्होंने जो उनकी स्केच बुक थी उससे वो पेज फाड़ा और मुझे दिखाते हुए दिया What do you think? Four sailing boats were racing over the sea out and beyond a lighthouse, just as I had seen them in Brittany. So उन्होंने पूछा कैसी लगी तो यहाँ पे जब उसने यानिक ने वो पिक्चर देखा इट वॉज एक्सट्रीमली उसमें फोर सीलिंग थे जो जो एकदम सी में जो है जा रहे थे प्लस वहां पे एक लाइट हाउस था और एग्जैक्टली exactly वैसा ही सीन था जैसे उसने ब्रिटनी में देखा था ब्रिटनी क्या है ब्रिटनी इज अ कोस्टल टाउन इन नॉर्थ वेस्ट फ्रांस नॉर्थ वेस्ट फ्रांस में वहां पे एक कोस्टल टाउन है बट आई सो पिकासो लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने साइन क्या किया हुआ है पिकासो

उन्होंने बोला था इसको लगा वो सजान है लेकिन ये कौन थे इन्होंने साइन क्या किया पिकासो द फेमस आर्टिस्ट so सो बेसिकली उन उसको लगा क्योंकि उसकी मदर ने उसको बताया था एक बार कि जो वर्ल्ड का बेस्ट पेंटर है वो है सिजान पूरी स्टोरी में कहीं पे भी ना अंकल ब्रूनो ने ना ने कहीं पे भी इन आर्टिस्ट का नाम नहीं बताया तो उसे लगा सब कह रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट आर्टिस्ट हैं वर्ल्ड के बेस्ट आर्टिस्ट हैं तो शायद ये सिजान ही होंगे और जाके उसने सीधा पूछ लिया आप सजान हो ना आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना दो ना वेन दिस आर्टिस्ट पिकासो इन्होंने उस यंग बॉय को देखा जो इतना ज़्यादा इनोसेंट था इतना ट्रू था इतना ओनेस्ट था तो उन्होंने उसको इंस्टेड ऑफ़ गेटिंग ऑफेंडेड कि तुम मुझे किसी दूसरे के नाम से बुला रहे हो ही जस्ट टुक इट लाइटली और जब उन्होंने लास्ट में कहा कि मेरा नाम काश मेरा नाम सज़ान होता इसका मतलब ये है कि शायद वो भी सज़ान जो आर्टिस्ट हैं जो पेंटर हैं उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे इसीलिए ये हुआ सो मीटिंग सज़ान इस जो टाइटल है ये जो चैप्टर का नाम है यहाँ पे ही डिड नॉट मीट सज़ान ही एक्चुअली मेट पिकासो बट दिस वाज इंटरेस्टिंग येस और नो चैप्टर इंटरेस्टिंग था ना ग्रेट नाउ वी आर डन हियर अब आपको क्या करना है सर आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है यहाँ मैग्नेट ड्रिंस की वेबसाइट में आप जाओगे आप यहाँ जैसे ही जाओगे जो पूरी क्लासेस है इसमें आप क्लास में चले जाना जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको मैं दिख रही हूँ वैसे ही इंग्लिश के नीचे गुलमोहर लिखा होगा विच इज दिस बुक दैट वी आर स्टडिंग इसमें आप जाओगे आपके पास चैप्टर वाइज वीडियो आ जाएंगे जिसमें आप सबसे पहले अगर चैप्टर वन में जाओगे यू विल फाइंड मीटिंग्स मीटिंग ओके एंड दैट इज इट आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इजी ना ज्यादा दिन फाइंडिंग इट ऑन यूट्यूब सो थैंक यू सो मच एंड अभी हमारा चैप्टर बस स्टार्ट हुआ एक्सप्लेनेशन हुआ है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स ठीक है सो स्टे ट्यून विद मी आई विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाय बाय